लिए तो कहते हैं ना मारा मारी हुई पड़ी है। बहुत मुश्किल से हम सफर करके, आप साउथ इंडियन है, सिर्फ रूई का गोला है इतना बड़ा, तो लैंग्वेज भी नहीं समझ में आएगी। वाओ, मतलब कहते हैं ना, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं देखने वाली हूँ। उसको क्या कहते हैं वो बस वही छोटे शिवलिंग, इसकी सीढ़ियां देखिए। केदार में भी काफी ज्यादा ट्रैकिंग, यहाँ लोग हैं मजा आ गया। वहाँ जो है मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो माया से परे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, दिया ना दिखाए। महादेव की नगरी बनारस में, जिसे काशी भी कहा जाता है, और अभी घाट पे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो है गंगा घाट है। और यहाँ हम क्यों आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि 27 तारीख को सेलिब्रेट की जा रही है देव दिवाली, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बनारस के लिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और ये 27 तारीख को सेलिब्रेट होगी, तो यहाँ क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या सजावट है, क्या आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो हम दिखाने वाले हैं अपने वीडियो के जरिए। तो वीडियो को देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए दिखाते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे अभी भी बोटिंग वगैरह जो है वो चल रही है, जैसे पटना में होता है ना कि आपको शाम तक में बोटिंग बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा। यहाँ पे तो आपको कहते हैं ना शाम से, मतलब देखने के लिए स्पेशली लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ गंगा घाट पे जो है आरती वगैरह होती है। और अभी जो फेस्टिवल है देव दिवाली, इसके लिए तो कहते हैं ना मारा मारी हुई पड़ी है। देख सकते हैं अभी भी काफी सारे बोट आपको नजर आएंगे। हमें ट्रेन भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हम सफर करके यहाँ पे पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज 26 तारीख है, और यहाँ पे पूरी सजावट जो है ना पूर्णिमा के, स्पेशली पूर्णिमा के लिए की जा रही है, क्योंकि आज जो है पूर्णिमा है, गंगा स्नान आज हुआ था, और जितने भी परिवर्तनी हैं वो सब यहाँ पे जो है पूजा वगैरह कर रही हैं। और सारी की सारी आप साउथ इंडियन है, यहाँ पे काफी सारे फॉरेनर्स वगैरह भी आए हुए हैं, देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ही है। आम बात है यहाँ पे यार, काफी सुंदर सुंदर मतलब फॉरेनर्स देखने को मुझे मिले हैं। इधर देखिए, इधर सजावट में आगे जो है आपको देखने को मिलेगा इस साइड। तो ये जो है इतने बड़े बड़े आपको देख सकते हैं ना, ये सिर्फ रूई का गोला है इतना बड़ा, और बीच में सेंटर में मतलब कहते हैं ना इतना बड़ा प्लेट है, और उसके अंदर जो है रूई का गोला है, और ये दीपक जलेगा इतना बड़ा बड़ा, मतलब कहते हैं ना बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग जलता है। इसी तरीके से जो है सारे प्लेट्स में दियो को लगाए जाएंगे, फूलों से सजावट की जा रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं फेस्टिवल का जो है पूरा तैयारी किया जा रहा है, आगे जो है पूरा दिया वगैरह जलाया गया है। देख सकते हैं आप, काफी मतलब कहते हैं ना सजाया गया है काफी अच्छे तरीके से, और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। पूरे लोग जो यहाँ पे पाठ कर रहे हैं, और विधिवत जो है ना पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये नहीं कह सकते दुनिया भर से जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। मुझे तो लैंग्वेज भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि सब साउथ इंडियन है, लोग ने बात उतनी नहीं की, क्योंकि सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे तेल से जो है ना आंवले को लपेटा जा रहा है, और सिंदूर से कोटिंग की जा रही है, सिंदूर से लपेट के उसके बाद जो है इसको जलाया जाएगा। बीच में जो है इसमें दिया जाएगा बाती, और इसको यहाँ पे जला के यहाँ पे रखा जाएगा। काशी में जो है आपको लगभग 84 घाट मिल जाएंगे घूमने के लिए। सबसे पॉपुलर घाट जो है दशमेव घाट माना जाता है, 80 घाट माना जाता है, लेकिन डिस्टेंस काफी है, बीच में डिस्टेंस में आपको काफी सारे बीच में आपको घाट देखने को मिल जाएंगे। और सारे घाटों की सजावट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, लाइटनिंग वगैरह कर दी गई है, और पूर्णिमा की पूजा वगैरह भी स्टार्ट हो गई, और कल जो है देव दिवाली स्टार्ट हो जाएगी। वाओ, मतलब कहते हैं ना मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं देखने वाली हूँ, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों को भी दिखाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे जो है आपको होने वाली है अभी गंगा आरती, तो वो हम देखने वाले हैं और आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं। पूजा की तैयारी शुरू हो रही है गंगा आरती की, आपको आरती वाला वो दिखेगा, क्या कहते हैं इसको, जिससे आरती करते हैं वो, उसको क्या कहते हैं वो बस वही घूमे हैं, वही उसी से आरती होने वाली है अभी। ईस्ट कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, पूरा धुआं हो रहा है। ये देखो पूरा
श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर है और यहाँ पे लोग अंदर में मंदिर है, यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। बहुत सुंदर सजाया गया है ये। यहाँ पे कल की तैयारी की जा रही है, लाइटिंग वगैरह लगाया जा रहा है। घाट पे भी केदारेश्वर घाट पे भी आरती होगी। छोटे छोटे शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो केदार जाने वाला जो फीलिंग है ना वो आपको आ जाएगा, क्योंकि इसकी सीढ़ियाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है। तो ये केदार वाला जो फीलिंग है ना वो आने वाला है, क्योंकि केदार में भी काफी ज्यादा ट्रैकिंग वगैरह है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको फूल वगैरह मिलेंगे जो कि आप नीचे यहाँ पे गंगा में आप प्रवाहित कर सकते हैं। मेन घाट जो दशमेव घाट है, जहाँ पे गंगा आरती होती है और गंगा आरती काफी फेमस है यहाँ की। तो वहाँ पे आरती हो रही है अभी। ran away with my life fast forward, never turn back again। और यहीं पे सब लोग बैठ के सब देखेंगे जब तक आरती होगी। तो अभी जो है हम बोट पर बैठे हुए हैं और 100 रुपीज चार्ज लगी है, प्राइस लगी है। बड़ी वाली बोट है और काफी सारे लोग भी बैठे हुए हैं स्पेशली गंगा आरती देखने के लिए। और ये दशमेव घाट है जहाँ पे गंगा आरती हो रही है और पूरा लोगों से जो ना खचा खच बड़ा हुआ है। मतलब कहते हैं ना कितने लोग होंगे मुझे आइडिया नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख से कम तो लोग होने वाले नहीं है। और जितने भी नाव देख रहे हैं ना सब पे लोग बैठे हुए हैं और स्पेशली गंगा आरती देखने के लिए बैठे हुए हैं। और क्योंकि वहां पे जगह तो मिलती नहीं है तो भाई नाव पे देख लो। और पूरा गंगा घाट को सजा दिया गया, थोड़ा सा शायद ब्लर दिखे क्योंकि काफी दूर से मैं शॉट ले रही हूँ। ये पूरा मतलब घाट पूरा सजा दिया गया यार, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है ना जैसे दुल्हन की तरह सजा हुआ है। काफी लोग यहाँ पे हैं, पीछे आगे हर जगह आपको लोग दिखने वाले हैं। कौन बाहर से आया है, कौन यहाँ का है, कोई मतलब आपको कहते हैं ना कहीं से भी आपको पता नहीं चलने वाला। हर तरह के हर तबके के लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे गंगा आरती देख रहे हैं। इस साइड लाइट जल गई है ना तो बहुत मस्त लग रहा है, इस साइड लाइट जल गई और इधर तो पूरा जगमगा ही रहा है। धीरे धीरे सारा कुछ जो है होने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ लोग हैं, यहाँ लोग हैं, यहाँ लोग हैं, यहाँ लोग हैं, यार हर जगह लोग ही लोग हैं। और पूरा सजाया हुआ है बोर्ड को, इस वाले बोर्ड पे जो है जितने भी आप देखेंगे सारे फॉरेनर थे। वाराणसी जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे देश विदेश मतलब कोई भी लोग भक्तिपूर्ण मतलब भक्तिमय हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कोई वो फॉरेनर है या किसी और कल्चर से बिलोंग करते हैं, एकदम यहाँ आते हैं और यहाँ का कल्चर फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं और खड़े होके सुनते हैं आरती। तो काफी अच्छा लगता है देखने में कि हाँ भाई लोग बाहर से आ रहे हैं और हमारी जो संस्कृति है हमारी जो सभ्यता है उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है देख के। एक तो रियल बात बताती हूँ, फैक्ट बात, मतलब लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं वहाँ बैठी थी आगे के साइड, वहाँ जहाँ आरती हो रही है ना और उसके जस्ट नीचे मैं बैठी थी वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब कहते हैं ना ऑनेस्टली मैं फीलिंग बता रही हूँ, मजा आ गया था। मतलब दूर से देख रहे हो बट उतना मजा नहीं आता जो वहाँ बैठ के, मतलब एक होता है ना मतलब बहुत अच्छा लगता है बैठ के वहाँ पे। और दूर से तो आप देख रहे हो ठीक है, मतलब अच्छे से बैठ जा रहे हो, मतलब आराम से आए आराम से बैठ के दूर से देख रहे हो, लेकिन यार पूजा करने और भक्ति करने आओ तो यार थोड़ा सा तो रिस्क लेके वहाँ बैठो, थोड़ा सा कष्ट करके वहाँ बैठो और आरती का जो ओरिजिनल मजा है ना वो लेना चाहिए वहाँ पे। अगर आपके पास पैसे वैसे हैं तो भाई बोट तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, दूर से बैठ के देखो और पहले आया करो क्योंकि हम लेट हो गए थे इसलिए थोड़ा सा ये हो गया, बट पहले आओगे तो शायद आगे आपको जगह मिल जाएगी। तो आगे अगर आप देखते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए आरती दूर से हो रहा है, हम तो देख पा रहे हैं लेकिन कैमरे में उतने अच्छे से आएगा नहीं तो हम आपको उतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं, बट सामने से जो मजा है ना नो डाउट बहुत मजा आता है। पे दो तीन घाट काफी फेमस है, जैसे दशमेव घाट है, 80 घाट है, उसके बाद आपको मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है। तो ये सारे घाट जो है घूमना ना भूले। यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आरती वगैरह दी जा रही थी तो हमने आरती ले ली बैठे बैठे। तो सारे बोर्ड पे जो इसी तरीके से आरती दी जाती है यहाँ पे, तो ये काफी अच्छी बात है। मतलब आप वहाँ पे नहीं बैठे हो फिर भी आपको यहाँ पे आके आरती मिलेगी, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी। हमारी नाव जो है खुल रही है, मणिकर्णिका जो है हमें घुमाया जाएगा।
और बोट रिपेयर मजा आ रहा है। इस साइड से मणिकर्णिका घाट देखने को मिलेगा, तो चलिए दिखाते हैं। मणिकर्णिका घाट की जो है एक खासियत है कि आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जो है मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो लोग वो मरते हैं, जिनकी मतलब कहते हैं ना देह त्याग करते हैं, तो वो यहाँ पे स्पेशली आते हैं, यहाँ पे उनकी अंतिम संस्कार वगैरह जो भी विधि है वो की जाती है, उससे उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर ऐसे भी अगर आपको मन में अशांति वगैरह कुछ भी फील होता है, तो आप मणिकर्णिका घाट पे आके बैठेंगे ना, तो आपको कहते हैं कि जीवन का जो सच है ना, जीवन का सार आपको वहाँ पता चलेगा, तो काफी अच्छा लगता है। लोग काफी सारे वहाँ जाते हैं, बैठ के देखते हैं जलती हुई लाशों को, तो क्या कहें, जिंदगी इसी का नाम है। मतलब कहते हैं ना कि चंद मिनटों में जिंदगी खत्म हो जाती है, तो मोह माया से दूर, मोह माया से परे। तो चलिए दिखाते हैं आपको मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पूरा घाट जो है ना सज गया, आपको सामने से दिखाते हैं हम। और ये वाला जो है, ये कॉरिडोर न्यू वाला बना हुआ है, ये न्यू कॉरिडोर बना है, और ये यहाँ पे आपको है सामने में मणिकर्णिका घाट। क्योंकि देव दिवाली के लिए स्पेशली बहुत प्राइस लगता है, तो अगर आपको आना है देव दिवाली पे तो थोड़ा पहले आइए, ताकि आपको अच्छे से होटल्स वगैरह गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाए। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मस्त लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोले यार, अभी ठंड लग रही है, हवा चल रही है, तो और सुबह सुबह जो है ना आपको साइबेरियन पक्षी आती है, जो साइबेरिया से आती है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको सुबह वाली आरती में पार्टिसिपेट करना है, तो आप 5:30 बजे जो है आए 80 घाट पे, आपको मॉर्निंग वाली आरती आपको देखने को मिल जाएगी। और शाम को आपको हर घाट पे होती है, दशमेव घाट पे, 80 घाट पे, और एक और घाट है बीच में, उस पर भी होती है आपको गंगा आरती। अगर आप दशमेव घाट पे नहीं जा पाए हैं, तो 80 घाट पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे होगी, और उसके पहले वाले एक और घाट है, तो वहाँ पे हो जाती है। बाप रे, इतने सारे लोग आए हुए हैं ना, पता नहीं लोग जाएंगे कैसे, निकलेंगे कैसे, काफी भीड़ होती है भाई, काफी भीड़ होती है। और ये देखिए अभी भी लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू आरती का लास्ट स्टेज है और लोग देख रहे हैं, वहाँ पे लगा हुआ है पूरा, बहुत सुंदर। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप लोगों की भी करे और मेरी भी करे, और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, फर्स्ट टाइम पूरा हो जाए, ताकि मेरा जो है 1K कंप्लीट हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा है आज, पर इतना सजा हुआ है, और कल देव दिवाली है, तो और भी जो जितने भी घाट है ना, वैसे सारे घाट पे इसी तरीके से जो है दिए लगे जाएंगे। तो अभी राजा घाट क्रॉस करने वाले हैं, और आज तो खैर हमने 100 रुपीज में घूम लिया है, मतलब कहते हैं ना कि 100 रुपए में यार घूम लिया है घाट पूरा, लेकिन कल जो है, कल आपको मुझे नहीं लगता है कि 1000, 2000 या 4000 भी जा सकता है प्राइस नाव का, और उससे कम में आपको कोई नाव नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कल ऐसा दिन है ना कि हर लोग आते हैं और स्पेशली नाव का ट्रिप करते हैं, और दूर से जो है ना दिए का जो रोशनी होता है ना वो दिखता है, और काफी अट्रैक्टिव लगता है वो देखने में। देखते हैं कल क्या प्राइस होगा, वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे कल कि क्या प्राइस रहने वाला है। आज का तो हमने बता दिया, वो अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो थोड़ा कम प्राइस में आप जा सकते हैं। जो है चौकी घाट, यहाँ पे भी आपको आरती वगैरह होती है, भीड़ काफी ज्यादा है, तो ये प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे। तो फाइनली हम ले चुके हैं आरती, यहाँ पे आरती वगैरह मिल रही है, तो चप्पल उतार के जो है आरती वगैरह ले ले आप, और काफी ज्यादा भीड़ है लोगों की, प्रसाद वगैरह दिया जा रहा है। दिया ना दिखाएं तो क्या ही फायदा, तो यहाँ आए तो जरूर गंगा माँ की पूजा जरूर करें, फूल वगैरह अर्पण करें और दिया दिखाएं। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा में दिया प्रवाहित करने के लिए, और ये शिवाला घाट है जहाँ अभी हम हैं, तो जय माँ गंगे।
पूजा वगैरह जो है कार्तिक पूजा जो है गंगा स्नान का वो कर चुके हैं। यहाँ दिवाली देव दिवाली के पहले से ही दिया वगैरह लगाया गया, वहाँ ओम वगैरह बनाया गया है। तो वीडियो जो है मैंने अब तक आपको जितनी थी मैंने दिखा दी है, कल वीडियो में बने रहिएगा। तो कल मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी, तो कल का मैं कल दिखाऊंगी देव दिवाली का स्पेशल वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे मेरी, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।